हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हो टेक्नीशियन सोनू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड देखिए, आज मेरे पास फिर से आया है एक PVT-501 एम्पलीफायर आया है, जो हमारा स्टेंजर कंपनी का एम्पलीफायर होता है, बूस्टर एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर में कुछ फॉल्ट है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये बहुत ही कॉमन टेक फॉल्ट है, लेकिन इसका जो रीज़न है, काफ़ी सारे रीज़न है, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको फॉल्ट को कैसे फाइंडिंग करना है और सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप फॉल्ट को फाइंडिंग करें। ठीक है बहन, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा। अगर स्किप करोगे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, फिर कमेंट में मुझे आप पूछोगे भाई ये कैसे आप कर दिया, वो कैसे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, तभी आपको पता चलेगा बहन। ठीक है, तो सबसे पहले आप एम्पलीफायर को देख लीजिए। ये हमारा PVT-701 है, जो नया मैकेनिक है वो थोड़ा जानकारी ले लीजिए। ये हमारा इसका जो पावर मॉड्यूल है, जहाँ पर हमारा 37-73 सारे ट्रांजिस्टर वगैरह जो इसके अंदर लगा रहता है। ठीक है बहन, तो ये तो हमने देख लिया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा दो बड़ा बड़ा कंडेंसर है। और यहाँ पर देखिए, ये हमारा ये इसका मेन जो ट्रांसफार्मर है, जो हमारा AC ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो लगभग ये सप्लाई हमारा बनता है यहाँ पर 40-040 प्लस माइनस में सप्लाई DC में बनता है। ठीक है बहन, तो ये हमारा 36-036 एक ट्रांसफार्मर होता है, जो AC में होता है। ठीक है बहन, और यहाँ पर देखिए इसका लाइन आउट ट्रांसफार्मर जो कहते हैं लोग, जिसको हम आउटपुट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, तो थोड़ा सा जानकारी मैं दे देता हूँ। और इसका ड्राइवर बोर्ड को आप देख लीजिए, ये इसका है ड्राइवर बोर्ड। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको इसका कंडीशन दिखाता हूँ। तो इसका स्विच पहले से ऑन था, मैंने इसे बंद कर दिया। तो ये रहा मैंने फ्लग, इसका जो फ्लग, इसका वायर पहले से ख़राब हो गया था, तो मैंने वो नहीं दिखाया, मैंने लिड को यहाँ पर लगा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये रहा मैंने यहाँ पर दे रहा हूँ, तो मैं इसे डायरेक्ट नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर एक 200 वाट का एक सीरीज बल्ब मैंने यहाँ पर सीरीज करके रखा है, ये वाला स्विच। ठीक है बहन, तो मैंने स्विच को ऑन कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, अब इसका जो ये वाला यहाँ पर स्विच है, मैं इसे ऑन करता हूँ। तो देखिए, तो फिर देखिए, मैंने जब इसका स्विच को ऑन किया तो हमारा 200 वाट का बल्ब फुल ग्लो कर रहा है। तो मैं फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड, मैंने स्विच को बंद कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, इसका जो मैंने स्विच को बंद किया और यहाँ पर इसका लाइन भी चला जा रहा है। ठीक है बहन, तो मतलब एम्पलीफायर शॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये शॉर्ट हो गया है एम्पलीफायर, बिल्कुल फुल शॉर्ट है। तो इसका वायर पहले से इसका वायर डैमेज हो गया है, तो मैंने इसका ये जो इसका लीड को देखिए, इसका लीड था ये पहले। ठीक है, तो मैंने इसे काट काट के देख रहा था, ये वायर अंदर से पूरा जल गया है, बिल्कुल ये ख़राब हो गया। तो मैंने अभी टेस्टिंग के लिए एक वायर को देखिए, मैंने एक यहाँ पर लगाया है, जो हमारा ओवरलोड पर लगता है, जो ईओलो वाला वायर, ये हमारा टेस्टिंग वायर है, और मैंने एक वायर को यहाँ पर लगाया। ठीक है बहन, इसका फ़ैन वगैरह कुछ भी नहीं। तो आप अगर आप ये मत सोचना कि मैंने दोनों वायर को एक साथ शॉर्ट कर दिया और सीरीज बल्ब ग्लो हो रहा है, तो ऐसा नहीं फ्रेंड। यहाँ पर जिसका 220 होता है, मैंने वहाँ पर ही इसका कनेक्शन अभी के लिए किया है, मैं बाद में वायर को चेंज कर दूँगा। ठीक है बहन, तो एम्पलीफायर हमारा शॉर्ट है, तो एम्पलीफायर शॉर्ट है, शॉर्ट होने का काफ़ी सारे रीज़न होता है, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपके पास अगर इस टाइप से एम्पलीफायर फुल शॉर्ट दिखाता है और इसका यहाँ पर कोई भी लाइट वगैरह नहीं आता है और पीछे फैन वगैरह कुछ भी नहीं चलता है, तो आपको कहाँ से शुरू करना है। तो फैन सबसे पहले आपको शुरू करना है कि ये जो शॉर्ट है, ये शॉर्ट हमारा कहाँ से हो रहा है। ये शॉर्ट हमारा यहाँ पर कंडेंसर अगर शॉर्ट हो जाएगा, तो कंडेंसर ज़्यादा शॉर्ट नहीं होता है, ए शॉर्ट होता है तब भी हमारा जलता है, बीच रेक्टिफायर शॉर्ट होता है तब भी हमारा जलता है, और आउटपुट ट्रांजिस्टर हमारा जब शॉर्ट हो जाता है तब भी हमारा इस टाइप से होता है, सीज बल्ब हमारा ग्लो करता है। तो सीज बल्ब ग्लो करता है कब, जब हमारा एम्पलीफायर शॉर्ट हो जाता है, उसका सप्लाई शॉर्ट हो जाता है। ठीक है बहन, तो प्लस माइनस जब शॉर्ट हो जाता है तभी हमारा सीज बल्ब ग्लो करता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले रुकिए, आपको आयरन से सबसे पहले आप फ्लग को खोल लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट वगैरह आप खा सकते हो तो आप ऐसे इसे खोल लीजिए। खोलने के बाद आपको एक 35 वाट हो जो अच्छा से एक आयरन लेना, क्यों ना यहाँ पर जो है ना, अच्छा अगर आयरन नहीं होगा तो यहाँ पर फिर इसे आप खोल नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको इसका जो सप्लाई है इसे आपको खोलना पड़ेगा। फिर रुकिए, यहाँ पर थोड़ा हीट को ज़्यादा देना पड़ता है। तो देखिए, मैंने इसका सप्लाई को खोल लिया। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिस्टर पर जो सप्लाई जाता है, मैंने इसे खोल लिया, और इधर वाला साइड में भी मैं इसे खोलता हूँ। ठीक है, देखिए ये भी मैंने खोल दिया। तो मैंने इसका दोनों जो ट्रांजिस्टर पर सप्लाई जाता है, मैंने दोनों को ही खोल लिया। अब मैं इसका कनेक्शन देता हूँ और देखता हूँ क्या कंडीशन है। तो ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट होगा, तो अगर ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो मैंने सप्लाई खोल लिया, तो सप्लाई खोल लिया तो आप सीज बल्ब नहीं ग्लो करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने ट्रांजिस्टर को शॉर्ट, देखिए मैं अब मैं यहाँ पर कनेक्शन दिया हूँ, और यहाँ पर देखिए मैं इसका वायर को कनेक्शन देता हूँ। तो देखिए फिर भी हमारा ये ग्लो कर रहा है, फुल रोशनी से ग्लो कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर देखिए, मैंने इसका जो दोनों ट्रांजिस्टर का जो नेगेटिव
और यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला सप्लाई मैंने दोनों खोल दिया, तो इसका मतलब फिर हमारा ट्रांजिस्टर ठीक है। मैंने खोल दिया फिर भी ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब फिर हमारा ट्रांजिस्टर भी ग्लो के तब भी हमारा ग्लो कर रहा है। तो मैंने ऐसे इस आपको दिखाया, मैंने इसका दोनों कनेक्शन आपको सबसे पहले खोलना है। खोलने के बाद अगर हमारा स्विच बल्ब बंद हो जाता है तो इसका मतलब है हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। आपको ट्रांजिस्टर का कनेक्शन जब खोल दिया तो स्विच बल्ब नॉर्मल हो गया, लेकिन अब भी हमारा स्विच बल्ब नॉर्मल नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर दोनों ओके है। आप सबसे पहले आप दोनों को एक साथ मत खोलिए, इसको खोलिए तो हमारा स्विच बल्ब अगर बंद हो जाता है तो हमारा इधर वाला साइड में प्रॉब्लम है। ये हमारा पॉजिटिव साइड होता है, ये हमारा नेगेटिव साइड होता है, इसका दोनों साइड होता है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव और इधर वाला साइड हमारा नेगेटिव। तो आप रेड वायर को जब खोलोगे, अगर स्विच बल्ब नॉर्मल हो गया तो हमारा पॉजिटिव साइड में प्रॉब्लम है। अगर आप ये ग्रीन वाला साइड, ये वाला वायर जो है, ये वाला वायर, ब्लू वाला वायर को अगर आप खोलते हो, हमारा स्विच बल्ब नॉर्मल हो जाता है तो हमारा ये वाला साइड में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों खोल दिया लेकिन हमारा स्विच बल्ब फिर से नॉर्मल नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर भी खराब हो सकता है और इसका रेक्टिफायर भी खराब हो सकता है। लेकिन फिर तो मैं आप ये दोनों वायर को लगाता हूँ, लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो फिर मैंने इसका जो दोनों वायर था, मैंने इसका दोनों वायर को फिर से सोल्डरिंग कर लिया है और हमारा एम्पलीफायर फिर से वही वाला कंडीशन में है। तो आप देख लीजिए हमारा फुल शॉट दिखा रहा है एम्पलीफायर, अभी भी इसका फैन वगैरह चालू नहीं हो रहा है। तो आपको आप क्या करना है फैन, तो आपको आप इसका सीजे बीच रेक्टिफायर को आपको खोल के देखना है। तो रुकिए, मैं यहाँ पर कनेक्शन में सबसे पहले बंद करता हूँ, इसको खोल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसका रेक्टिफायर का कनेक्शन मैंने खोल के रखा है। यहाँ पर इन्होंने एक रेक्टिफायर यूज़ किया है जो हमारा, इसका नंबर आपको दिखाता हूँ, रुकिए, हाँ इसका नंबर आप देख लो, 5502, ठीक है मैम। ये हमारा रेक्टिफायर है जो हमारा 50 एम्पीयर का रेक्टिफायर है। तो मैं अब इसका दोनों कनेक्शन को, मैं इसका जो ये वाला कनेक्शन है, दोनों यहाँ पर कनेक्शन है, ठीक है मैम। एक हमारा पॉजिटिव है, इधर वाले साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक इसका इधर वाले साइड में इसका नेगेटिव है। और इसका जो आमने सामने और दो कनेक्शन है जहाँ पर देखिए, हाँ ये जो हमारा येलो कलर का जो ए वाला वायर है, ये हमारा एसी है जो हमारा ट्रांसफार्मर से आता है। मैं सबसे पहले इसे खोलता हूँ, तो एक हाथ में मैं वीडियो कर रहा हूँ, तो रुकिए मैं खोल नहीं पा रहा हूँ, मैं वीडियो को थोड़ा सा बंद करके मैं आपको खोल कर देखा था। तो देखिए फैन, मैंने इसका जो दोनों जो एसी वाला जो कनेक्शन है, जो यहाँ पर एसी लिखा भी है, मैंने इस दोनों कनेक्शन को खोल दिया। और इसके एक पैरेलल में एक जो हमारा एक कैपेसिटर भी है छोटा सा, ठीक है, ये हमारा एक पीएफ का जिसे कह सकते हो, ठीक है फैन। तो देखिए मैंने इसका कनेक्शन को खोल लिया, अब मैं चल रही है इसका, मैं लाइन को देता हूँ और देखता हूँ क्या कंडीशन है, हमारा स्विच बल्ब नॉर्मल होता है कि नहीं। तो देखिए मैंने इसको यहाँ से ऑन कर दिया और यहाँ से मैंने इसको ऑन करता हूँ। तो फैन देखिए हमारा एम्पलीफायर अभी ऑन तो नहीं हुआ, क्यों ना हमारे यहाँ पर कनेक्शन खुला है, लेकिन इसका जो फैन है वो अब घूम रहा है। तो रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसका जो फैन घूम रहा है, आप साउंड पा रहे हो, तो इसका मतलब फैन और हमारा स्विच बल्ब जो नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये देखिए हमारा स्विच बल्ब हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है फैन हमारा रेक्टिफायर शॉर्ट हो गया है। तो मैं आपको रेक्टिफायर को खोलता हूँ, खोलने के बाद आपको मीटर से चेक करके दिखाता हूँ, रुकिए। तो फैन एक हाथ से, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा मुश्किल होता है फैन, मैं आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अब सब्सक्राइब भी नहीं करते हो और लाइक वगैरह तो छोड़िए, कुछ भी नहीं करते हो फैन, थोड़ा कर दो यार, हमें भी वीडियो बनाने में मज़ा आ जाएगा अगर आपका एक लाइक देख के, ठीक है फैन। तो थोड़ा कर दो फैन, मैं आपका भाई जैसा ही हूँ, तो अब थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक कर दो फैन, ठीक है। देखिए मैंने इसका रेक्टिफायर को खोल लिया, तो अब मैं आपको मीटर से चेक करके दिखाता हूँ इसका रेक्टिफायर ख़राब हो गया है। तो मैं मीटर को डायरेक्ट टेस्ट करने वाला ऑप्शन पर मैं रखता हूँ फिर, और देखिए ये रहा हमारा दोनों पॉप। तो सबसे पहले मैं आपको मीटर को दिखाता हूँ, मीटर हमारा ठीक से बीप दे रहा है कि नहीं, तो हमारा मीटर बिल्कुल बीप दे रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको चेक करता हूँ, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल ओके है। ये देखिए फिर इसका जो दोनों एसी वाला जो वायर है, दोनों जो हमारा एसी वाला जो कनेक्शन है, वो बिल्कुल हमारा शॉर्ट हो गया है, तो यहाँ पर ये ठीक से कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये देखिए आपको बीप सुनाई दे रहा है, देखिए 35 ओम दिखा रहा है और बीप दे रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल शॉर्ट हो गया है। ये वाला हमारा जो रेक्टिफायर है ये बिल्कुल शॉर्ट हो गया है फ्रेंड, इसलिए हमारा एम्पलीफायर ऑन नहीं हो रहा है। रेक्टिफायर को देख लीजिए, ये रेक्टिफायर बिल्कुल शॉर्ट हो गया, ख़राब हो गया, ठीक है। अब मैं एक नया रेक्टिफायर लेता हूँ, रुकिए आप ज़रा। तो फ्रेंड चलिए, मैंने देखिए एक नया रेक्टिफायर ले लिया है। तो मेरे पास अभी 5510 नहीं है, मेरे पास एक 3510 है, मैं इसे लगा दूंगा, ठीक है बहन।
मेरे पास ख़त्म हो गया है, मैं ये वाला रेक्टिफायर को लगा दूंगा। ये हमारा 35 एम्पियर का है और यहाँ पर 50 एम्पियर का लगा था, तो ये 5 वाट में दो दो लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर एक लगा है इसलिए 50 एम्पियर का है। मैं 35 एम्पियर का ये वाला रेक्टिफायर लगा दूंगा, ये भी अच्छा क्वालिटी का है, ये चल जाएगा। और ये वाला एम्पलीफायर में हमारा सिर्फ थोड़ा सा चंग बच रहा है, ठीक है बहन, तो प्रॉब्लम होगा तो मैं पार्टी को फिर से रेडी कर दूंगा। तो अभी मैं उसको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, तो मैं इसलिए उसे ये वाला रेक्टिफायर लगा के मैं चालू करके दूंगा। मेरे पास रेक्टिफायर ख़त्म हो गया है, वो अगर एक दो दिन बजा के ले आएगा तो मैं 2 मिनट में इसे फिर से नया एक रेक्टिफायर लगा दूंगा। उसे अभी के अभी चाहिए, पार्टी बाहर बैठा है, उसने कहा भाई आप कैसे भी करके इसे रेडी कर दो, मेरा अभी बहुत इसे ज़रूरी है। तो मैं रेक्टिफायर को लगाता हूँ। रेक्टिफायर को लगाने का आप एक निशान देख लीजिए, देखिए ये जो चारों पिन है इसका, देखिए इधर वाला साइड में इसका डायरेक्शन है, इधर वाला साइड में इसका डायरेक्शन है, लेकिन ये वाला पिन देखिए इसका थोड़ा सा आड़ा वाला हिस्से में डायरेक्शन है, तो ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखा भी दिखाई देगा, रुकिए यहाँ पर रोशनी से आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है फिर, रुकिए ये देखिए यहाँ पर देखिए पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ही हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। और इसके ठीक आमने सामने ये वाला ये हमारा नेगेटिव है, और एसी आप उसे कैसे भी करके लगा सकते हो। तो मैं ये वाला रेक्टिफायर यहाँ पर मैं लगाऊंगा, और लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको हीट कंपाउंड दे के आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं रुकिए मैं थोड़ा सा स्टैंड में कैमरा को रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ, पूरा आपके सामने लाइव होगा, सब कुछ लाइव होगा, मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं करूँगा। रुकिए मैं कैमरा का स्टैंड लाता हूँ। तो फिर देखिए मैंने कैमरा को यहाँ पर सेट कर दिया, तो थोड़ा आपको पिक्चर टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है, तो आप एडजस्ट कर लीजिए, फिर इससे अच्छा नहीं मैं कर पाऊँगा। मेरा फ़ोन ही गिर गया है फिर, देखिए आपके लिए फिर मेरा फ़ोन ही गिर गया है। तो मैं इसे फिर से सेट करता हूँ, रुकिए फिर, बहुत दिक्कत होता है तो ऐसे वीडियो बनाने में, तो मैं इसे आप ठीक करके लगा रहा हूँ, रुकिए देख लीजिए आपके लिए मुझे कितना परेशानी झेलना पड़ता है। मैं काम को 2 मिनट में करके पार्टी को दे सकता हूँ, लेकिन नहीं फैन, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो मैं इसलिए आपको सब कुछ दिखाऊंगा, जो होगा वो भी, कैमरा गिर जाएगा वो भी दिखाऊंगा फैन, ठीक है। थोड़ा मज़ा होगा, थोड़ा काम होगा, सब कुछ होगा। तो देखिए फैन, ये रहा हमारा रेक्टिफायर, नया रेक्टिफायर, और ये रहा हमारा पुराना रेक्टिफायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारा पुराना, तो ये वाला हमारा नया रेक्टिफायर। तो ये जो दोनों वायर है, ये वाला वायर हमारा, ये जो रेड वाला वायर है, ठीक है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो रुकिए जूम मैं फिर से कर दूंगा। तो ये वाला वायर देखिए, ये हमारा पॉजिटिव वाला वायर है, ठीक है। बस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव देख के लगाना है, एसी आप कुछ भी करके लगा सकते हो। मैंने आपको पहले बताया ये वाला हमारा पॉजिटिव है, जो थोड़ा सा अलग है, देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, इसका भी इधर है, इसका भी इधर है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, तो ये हमारा पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव को ऐसे लगाता हूँ। जो नया एफेंट वो आप देखिए, जो पुराना मैकेनिक है उसे सब कुछ पता है, तो मैं नया के लिए मैं सिखाता हूँ, जो नया है वही सीखता है ना, पुराना मैकेनिक कभी भी नहीं वीडियो देखता है, कभी सीखता भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, और इसका सामने मैंने कहा है, इसका सामने हमारा नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव को यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये देखिए मैंने लगा दिया, और अब मेरा बच गया है, दोनों एसी वायर हमारा बच गया है। तो एसी वायर को आप इसका आमने सामने आप लगा दो, एक ही बात है, इसका दोनों जो पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। एसी हमारा, एसी का कोई मतलब क्या बताऊँ फिर, एसी का कोई हमारा अल्टरनेटिव कुछ भी करके आप लगा सकते हो। तो मैं इसे खोल लेता हूँ सबसे पहले, इसके बाद मैं इसे लगाऊँगा फिर, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो मैंने जैसे आपको कहा है आप ऐसे ही लगाना, ये भी स्कूल आसान है फिर। मैंने पहले एसी वाला पॉइंट को मैंने लगाना भूल गया था, थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसलिए खोला, ठीक है। और पहले से ये जो पॉजिटिव था, पॉजिटिव को मैंने यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लगा दिया, लगाने के बाद ये हमारा यहाँ पर माउंटिंग होगा इस तरफ से, ठीक है, इसके अंदर हमारा ये वाला यहाँ पर ऐसे माउंटिंग होगा, तो यहाँ पर हीट सिंक के साथ। तो सबसे पहले मैं एम्पलीफायर को लाइन दे के देता हूँ कि ये चालू हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ आपके सामने, ठीक है। तो देखिए मैंने एम्पलीफायर, ये रहा है मेरा हाथ, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, तो मशीन को मैं थोड़ा पीछे धकेलता हूँ, ओके, फिर के मेरा यहाँ से ऑन करता हूँ, ठीक है। तो हमारा एम्पलीफायर अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, मैंने इसके ऑन किया है, रुकिए फिर। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने आपको बीच रेक्टिफायर लगा के देखा था, तो ये बीच रेक्टिफायर मैंने लगाया है, और लगाने के बाद मैंने देखा इसका सीरीज बल्ब फिर भी नॉर्मल नहीं हो रहा था, तो बीच रेक्टिफायर तो ख़राब था, मैंने इसे चेंज कर भी दिया, आपके सामने ही मैंने सब कुछ किया है, तो फिर भी इसका बल्ब ग्लो कर रहा था। तो मैंने जब इसे फिर से चेक किया, तो यहाँ पर इस साइड मॉड्यूल पर इसका प्रॉब्लम है, यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, तो मैंने खोल के आइडेंटिफाई करके रखा है ट्रांजिस्टर को, एक ए वाला ट्रांजिस्टर, ये पीसीबी टाइप है हमारा, बहुत ही ओल्ड मॉडल है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर खराब है, और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर खराब है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी काट गया था, जो ये वाला रेजिस्टेंस था, मैंने रेजिस्टेंस को भी खोल के रखा है बाहर, ठीक है।
और देखिए, और एक छोटा सा रेजिस्टेंस और था जो 4.7 ओम का था, ये भी रेजिस्टेंस चल गया था, ठीक है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर को मैं खोलता हूँ और खोलने के बाद मैं इसे लगाऊंगा। लगाने के बाद एम्पलीफायर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। दिन में बस ये रेक्टिफायर शॉर्ट हो गया था और ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिसोल्डरिंग वायर से मैं इस ट्रांजिस्टर को खोलता हूँ। खोलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है बहन। नया ट्रांजिस्टर लगा के मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने दो रेजिस्टेंस भी ले लिया है, ये मेरे पास था। तो पुराना रेजिस्टेंस है, कोई बात नहीं, अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं रेजिस्टेंस लगा दूंगा। रेजिस्टेंस आप इसका नंबर देख लीजिए, वो जो हमारा होता है ना, आप कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हो, 0.22, 0.5, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है बहन। तो बहन चलिए, मैं फटाफट से दोनों ट्रांजिस्टर, इसे खोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, मैंने इसका नट बोल्ट सारे खोल के रखा है, ठीक है। तो देखिए, मैंने जिस ट्रांजिस्टर का नट बोल्ट खोल के रखा है, वही ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो गया। ये हमारा 3773 ट्रांजिस्टर है। तो मैंने इसे खोल के रखा इसका नट, लेकिन ये ऐसे नहीं निकलता, इसके सोल्डरिंग से इसे निकलना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो बहुत दिक्कत होता है ऐसे एम्पलीफायर में, ये बहुत पुराना एम्पलीफायर है। तो चलिए फिर मैं इसे खोलता हूँ, और खोलने के बाद मैं यहाँ पर, मेरे पास नया ट्रांजिस्टर है, मैं नया ट्रांजिस्टर लगाऊंगा फिर, ठीक है। तो चलिए मैं इसे खोलता हूँ। तो फिर चलिए, मैंने इसका जो दोनों ट्रांजिस्टर था, ये रहा वो ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ से खोला है, खोलने के बाद मैंने ट्रांजिस्टर नया लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। और देखिए मैंने कहाँ कहाँ पर चेंज किया है, ये वाला ट्रांजिस्टर को चेंज किया है, और इसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस काट गया था, तो मेरे पास एक पुराना सा रेजिस्टेंस था, मैंने लगा दिया, स्ट्रेंजर का ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर एक देखिए, नया रेजिस्टेंस मैंने लगाया है जो जल गया था, ये वाला रेजिस्टेंस को मैंने नया लगाया, ठीक है, जो हमारा 4.7 ओम का होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर जल गया था, तो मैंने इसे भी चेंज कर दिया है, ठीक है। तो फिर इसके बाद मैं ये वाला एम्पलीफायर को पूरा फिटिंग करूँगा इस टाइप से। इसे फिटिंग करने में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैं इसे फिट करने के बाद रिजल्ट क्या आती है देखाता हूँ। और रुकिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मुझे दिखाई दिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी जल गया है, ठीक है। तो ये हमारा 100 ओम का रेजिस्टेंस है, मुझे पता है, तो रेजिस्टेंस को भी चेंज करना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस ड्राइवर बोर्ड का जलता है जब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है, ठीक है बहन। तो आप वीडियो देखते रहिए, रेजिस्टेंस क्या चेंज करना है, क्या कुछ और फॉल्ट है ड्राइवर बोर्ड में, सब कुछ दिखाऊंगा। बस वीडियो पूरा देखते जाइए फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसे फटाफट से इसे फिटिंग कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड, मैंने इसका ट्रांजिस्टर वगैरह सब कुछ फिटिंग करके यहाँ पर रेडी करके रखा है, ठीक है। और मैंने अब ड्राइवर बोर्ड को खोला है, ड्राइवर बोर्ड देखिए, तो ये सारे ट्रांजिस्टर मैंने चेक किया है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा 2073 ट्रांजिस्टर है, जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। इधर वाला साइड इज यहाँ पर हमारा 940 है, ये हमारा PNP है, और ये NPN है, ठीक है। ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा NPN है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस चल गया था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, तो ये रहा वो रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस चल के पूरा एकदम राख हो गया है फैन। तो ये हमारा रेजिस्टेंस 100 ओम का था, ठीक है। 100 ओम का रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर जो R4 लिखा है यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और ठीक इसके पास में और एक रेजिस्टेंस था, तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी जल गया था, मैंने खोल के रखा है। हाँ, यहाँ पर ये भी रेजिस्टेंस जल गया था, ठीक है। ये हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस है, जो इसका कलेक्टर से सप्लाई को देता है, ठीक है, पूरा बोर्ड में जाता है सप्लाई। तो मैंने रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस को खोल के रखा है, अब मैं ये दोनों रेजिस्टेंस को लगाऊंगा। और ट्रांजिस्टर मॉड्यूल हमारा ठीक हो गया, तो लगभग हमारा एम्पलीफायर अब ठीक होने वाला है। तो आप वीडियो को देखते जाइए, तो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप बोर्ड को एक अच्छी बारी से अच्छी तरीके से फेंट आप देख लीजिए, शायद कभी कभी बार फेंट आपका ये बोर्ड जल भी जाता है, तो आप यहाँ से देख लीजिए, आपको बहुत आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बोर्ड को देख लिया, तो चलिए फ्रेंड, मैं आप ये सारे कंपोनेंट वगैरह लगा के और देखता हूँ क्या इसका हालत है, ठीक है। तो चलिए, तो फ्रेंड चलिए, मैंने इस एम्पलीफायर को बिल्कुल रेडी कर लिया। एम्पलीफायर में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल फॉल्ट है, इसका ड्राइवर बोर्ड में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाया है, फिर जाके एम्पलीफायर रेडी हुआ। ट्रांजिस्टर बदला, फिर भी एम्पलीफायर प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा सा वॉल्यूम दे रहा था और एम्पलीफायर शॉर्ट हो जा रहा था, सीरीज बल्ब ग्लो हो जाता है, ठीक है बहन। तो मैंने बहुत कुछ देखा, देखने के बाद मुझे पता चला इसका जो इधर वाला साइड में जो दाएँ तरफ जो साइड है बहन, ये वाला साइड में ट्रांजिस्टर, यहाँ पर तो हमारा कलेक्टर से आउटपुट होता है और इमीटर पर वोल्टेज जाता है, और इधर वाला साइड में हमारा कलेक्टर पर वोल्टेज आता है और इमीटर से आउट होता है, ठीक है। और इधर वाला साइड में हमारा कलेक्टर से जब आउटपुट होता था, तो ये हमारे एक ट्रांजिस्टर का माइका हमारा लीकेज हो गया था, तो मैंने माइका को चेंज कर दिया, माइका ख़राब हो गया है, ठीक है। तो जब मैं वॉल्यूम को देता था और एम्पलीफायर शॉर्ट हो जा रहा था, ठीक है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। मैंने लगभग काफ़ी घंटों से मैंने इसे रिपेयरिंग किया है, ठीक है। तब जाके एम्पलीफायर अब बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड,
मैंने एम्पलीफायर को लाइन दिया, अब मैं यहाँ से ऑन करूँगा। मैंने पहले से ही यहाँ पर सिग्नल दे के रखा है, ठीक है। तो मैं गान तो प्ले नहीं करूँगा, तो आप देख लीजिए, देखिए एम्पलीफायर का लाइन आ गया और हमारा सीरीज बल्ब देखिए बिल्कुल नॉर्मल है। अब मैं यहाँ पर वॉल्यूम देता हूँ, देखिए, तो देखिए यहाँ पर मैं वॉल्यूम दे रहा हूँ और एम्पलीफायर हमारा लेवल लाइट ग्लो कर रहा है। और यहाँ पर देखिए जब ये लोड ले रहा है तो लोड लेने के टाइम हमारा सीरीज बल्ब भी जल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए फिर, तो हमारा एम्पलीफायर अब बिल्कुल ओके हो गया, ठीक है। और वोल्टेज वगैरह इनमें तो आप सबको पता है, ठीक है। तो आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस ये वाला एम्पलीफायर में जहाँ जहाँ पर जितने सारे वोल्टेज वगैरह रहते हैं मैं सबको माप माप के मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको अगर देखना है। तो चलिए फिर, आपके लिए आज का दिन शुभ रहे, ठीक है मैन। चलिए टाटा, बाय बाय।